हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स रिव्यू करने वाली हूँ। दैट्स फ्रॉम स्टे क्वर्की। ये है स्टे क्वर्की किस एंड टेल लिक्विड लिपस्टिक्स। मेरे पास दो शेड्स हैं, एक है ड्रंक डायल 12 एंड एक है टीज। इनके स्वाचेस के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये कलरफुल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। यू कैन सी इसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बने हुए हैं। एंड यहाँ साइड में किस एंड टेल लिक्विड लिपस्टिक लिखा हुआ है एंड इसके बैक साइड में शेड नेम दिया हुआ है एंड इसकी MRP है 235 रुपीज़ एंड आपको 2.8 ml का प्रोडक्ट मिलता है। सो लेट्स ओपन इट एंड सी। ये ग्लास बॉटल में आती है विद अ ब्लैक कैप जिसमें कि स्टे क्वर्की लिखा हुआ है एंड यहाँ आप शेड देख सकते हैं एंड इसके बॉटम पार्ट में शेड नेम दिया हुआ है। यह टीज, शेड नंबर 1 टीज। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, यू कैन सी ये ट्रैवल साइज्ड बॉटल है। अब इसका एप्लीकेटर देख लेते हैं। इसमें सेम लीफ एप्लीकेटर है जैसा कि स्टे क्वर्की बैडास लिक्विड लिपस्टिक्स में है। यू कैन सी एप्लीकेटर काफ़ी छोटा सा है, सो इट्स इजी टू अप्लाई एंड आपको सिंगल स्वाइप में ही काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिल जाएगा। इट कैन इवन कवर द पिगमेंटेशन, आई मीन जिनके पिगमेंटेड लिप्स हैं, ये उस पिगमेंटेशन को भी हाइड करता है। एंड ये लिपस्टिक्स काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, ये दूसरे लिपस्टिक्स की तरह ड्राइंग नहीं है, आई मीन दूसरे लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है एंड इट लास्ट रियली लॉन्ग। आई मीन अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऑयली फूड नहीं खाते हैं, तो इट कैन लास्ट एटलीस्ट अप टू 10 आवर्स। स्टे क्वर्की की बैडास लिपस्टिक्स की तरह ये भी काफ़ी देर तक स्टे करती है, बट ये नॉन ड्राइंग है, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करती है। अगर आप कुछ ऑयली फूड खाते हैं तो ये आपके लिप्स के इनर कॉर्नर से हल्का सा फेड हो सकती है, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये काफ़ी देर तक स्टे करेगी। ये लिपस्टिक वन ऑफ माय फेवरेट्स हो गई हैं। आई मीन इतने कम रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो कि मॉइस्चराइजिंग है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है एंड काफ़ी देर तक स्टे करती है एंड उसके साथ ही इतना अच्छा पिगमेंटेशन मिल रहा है आपको। बस एक ही ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी नहीं बोल सकते, वो ये है कि अगर आप इसे जल्दी ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हल्का सा टाइट है। इसे आप ज़ोर से पुल करते हैं तो प्रोडक्ट बाहर आ सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ। सो आई प्रिफर कि मैं इसे स्लोली ओपन करूँ, कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही, ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। टीज 1, ये एक ब्राउनिश न्यूड शेड है विद अ पिंकिश टोन। ये शेड सारे स्किन टोन्स करेगा। नेक्स्ट शेड है ड्रंक डायल 12, इट्स अ मरूनिश शेड। ये एक बेरी काइंड ऑफ शेड है। ये शेड भी सारे स्किन टोन्स पर अच्छा लगेगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इसके और शेड्स पर रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।